आप ने पढ़ रखा है इसलिए मैं वही एग्जांपल लिख देता हूं। देखो आपने लिखा एक्वस क्यूएच, आपने लिखा एल्कोहलिक क्यूएच, सही है? एक्वस है, बोलो क्या बनेगा, ठीक है? और एल्कोहलिक क्यूएच है, बोलो एल्कीन ना, एल्कीन तो कौन सी हो गई, एलिमिनेशन, ये कौन सी हो गई, ऐसे सही है ना? ध्रुवीय विलायक कौन सा इनमें है, एक्वस का मतलब पानी या एल्कोहल, बोलो पानी क्या है, ध्रुवीय विलायक है ना, यानी विलायक अगर ध्रुवीय हो तो बोलो कौन सी होगी, एसएन होगी। आगे बात समझ, यानी थर्ड है किसकी प्रकृति, विलायक की प्रकृति, सही है कि नहीं भाई? विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करती है कि रिएक्शन एसएन होगी या एलिमिनेशन, ठीक है भाई? एक चीज और बताऊं आपको, मैं पेपर में ऐसा टॉपिक नहीं आएगा आपको कि एसएन और एलिमिनेशन में कंपटीशन को समझाओ, अरे बसन भाई कोई टॉपिक नहीं है ये, तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? एसएन और एलिमिनेशन के बीच कंपटीशन को मेरे को समझाना है, तो मैंने एक अलग से वैसे टॉपिक बढ़ा रखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना? बुक मार्क को ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा नहीं, दोनों के बीच कंपटीशन समझाओ भाई, ठीक है ना? और ये एग्जांपल आप पढ़ के आ रहे हैं, ये एग्जांपल आप पढ़ के आते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसी का टॉपिक पढ़ा दिया अपन ने। और चौथा मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लेता हूं, ध्यान दे, CH3 CH2 Cl, एक आपने लिया एक्वस क्यूएच और एक लिया कौन सा एल्कोहलिक क्यूएच, बोलो क्या बना, एल्कोहल या बोलो एल्केन है तो एलिमिनेशन, ये एसएन, सही है? अब यहां से सुनना मेरी बात को, एक्वस क्यूएच की अगर आप बात करें तो एक्वस क्यूएच का मतलब क्या है, क्यूएच प्लस पानी, बोलो सही नहीं? और दोनों को अगर आप तोड़ोगे तो इन दोनों से ही आपको OH माइनस मिलेगा, बोलो सही नहीं? पानी से भी OH माइनस मिलेगा और इससे भी OH माइनस मिलेगा, सही है कि नहीं? ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने एल्कोहलिक KOH लिया तो यहां एक पॉसिबिलिटी तो OH माइनस है और दूसरी RO माइनस, सही है ना? दूसरा कौन सा, आरओ माइनस, ये लो भाई। तो एक तो क्या मिला आपको, अगर आप एल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं, ये लो भाई, ये तो क्या है, ये एक्वस क्यूएच है, एक्वस का मतलब पानी डाला हुआ है, और एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब, एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब एल्कोहल डाला हुआ है भाई, एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब एल्कोहल डाला हुआ है, ठीक है? इसमें कौन सा रेडाइन मिलेगा आपको, OH-, इससे बताऊं OH- माइनस भी और माइनस भी, मैं आर ओ माइनस को समझा रहा हूं, ठीक है ना? OH- माइनस क्यों नहीं लेता, बाद में बात करें, हो गया ये? एक आपने ऐसा पढ़ा क्या, लुईस बेस क्या होता बताओ, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या अधिकता हो, बोलो लुईस बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लुईस बेस होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इस बात को भी आप भूल जाओ, आप याद रखें लुईस एसिड, क्या याद रखो, लुईस एसिड से आप चीजें याद रखना, लुईस एसिड में ये ए का मतलब होता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब होता है ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, लुईस एसिड क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं वो सारे के सारे लुईस एसिड होंगे,
लुइस एसिड, ए का मतलब एक्सेप्टर और एक्सेप्टर का मतलब ग्रहण करने वाले, और इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा जिसके पास, द्वारा होता है इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा जिसके पास, क्या ये लुइस एसिड है? है इनके पास माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो ग्रहण क्यों करेगा जब इसके पास ज्यादा है तो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, एसिड या बेस, बेस होंगे ध्यान रखना, दोबारा सुन ले, लुइस बेस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, आरी वसुन भाई, और लुइस एसिड का मतलब ग्राही, आई बात समझ में, लुइस एसिड होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को, ए प्लस क्या होगा बताओ, ग्राही होगा ना, एसिड होगा ना, ठीक है, और आर ओ माइनस बताओ, लुइस बेस होगा, क्यों इलेक्ट्रॉन का दिखता है लुइस बेस, सही है, दोबारा वापस सुने, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो लुइस बेस होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अधिकता जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रबलता उतनी बढ़ती जाएगी भाई, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस, जिसके पास माइनस ज्यादा हो, बोलो सही, अब आप इस एच को और इस आर को समझें, एच को और आर को समझें, आर कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई दर्शाता है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या खींचना, देगा तो बताओ ये माइनस चार्ज बढ़ जाएगा ना, माइनस है तो लुइस बेस, और माइनस बढ़ गया तो स्ट्रॉन्ग लुइस बेस, बोलो सही नहीं, माइनस है तो लुइस बेस, और माइनस ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग लुइस बेस, प्रबल क्षार, शॉर्ट में बोलना, तो बताओ एच ओ माइनस और आर ओ माइनस में से प्रबल क्षार कौन सा है, तो ये तो मैं लिखूंगा कि ये तो भाई साहब दुर्बल क्षार है और ये प्रबल क्षार है, बात समझाई नहीं है, थाने भी खत्म, फिर दोबारा सुन ले, आप चीजों को दिमाग में बिठाएं रटने की बजाय, लुइस एसिड ए फोर एसिड, ए फोर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब ग्रहण करने वाला, और ग्रहण वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी धनायन, बोलो बात समझ आई कि नहीं, तो लुइस एसिड होंगे धनायन और लुइस बेस होंगे धनायन, और जितना ज्यादा माइनस होगा उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा होगी, सही है ना, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी उसकी एसिडता बढ़ेगी, सही है कि नहीं, ठीक है ना भाई, अभी इधर आ जाओ, ये और ये ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने इंडिया में बोलते ही ऐसे ही है ना, फिर वापस एक बार वापस टॉपिक पे आ जाए, माइनस है तो लुइस बेस, ज्यादा माइनस है तो प्रबल लुइस बेस, बताओ आर इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस बढ़ जाएगा, प्रबल क्षार होगा या नहीं, अब बात ऊपर पहुंचा दो, एल्कोहलिक क्यों है, प्रबल क्षार है, एक्वस क्यों है, दुर्बल क्षार, यानी यहां दुर्बल क्षार बढ़ेगा और यहां ध्यान देना, प्रबल क्षार अगर होगा तो वहां एलिमिनेशन होगी, देख लो चाहे नियम बढ़ाएंगे अपना, ठीक है, और अगर दुर्बल क्षार है तो SN होगी,
यानी नंबर फोर फैक्टर है आपका क्षार की प्रकृति, क्षार की प्रकृति। और यहीं से मैं एक राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी का प्रश्न उठाता हूं। राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी का प्रश्न ये है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड एक्वस कीवच के साथ करवाने पर एल्कोल बनता है, जबकि एल्कोलिक कीवच के साथ करवाने पर एल्कीन बनती है, क्यों? तो आपका आंसर होगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस कीवच के साथ करवाते हैं तो दुर्बल क्षार OH- माइनस बनता है। दुर्बल क्षार जो SN संपन्न करवाएगा, क्या करवाएगा? संपन्न करवाएगा, दुर्बल है, ठीक है। RO- माइनस प्रबल क्षार है, क्या संपन्न करवा देगा? एलिमिनेशन संपन्न करवा देगा, ध्यान रखना। SN में क्या होगा भाई? Nu- आ रहा है, हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, सही है नहीं? और प्रबल वहां जाएगा, ठीक है ना, और वो हटा करके खुद नहीं जुड़ेगा, हटा देगा, यहां से CN हटा देगा और यहां से H हटा देगा, सही है ना भाई? कौन सी अभिक्रिया संपन्न करवाएगा? एलिमिनेशन संपन्न करवाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न भी बन गया और कंपटीशन भी हो गया भाई। अब दोबारा बताएं, हाई टेम्परेचर हो तो एलिमिनेशन 443 पर एलिमिनेशन होती है भाई, हाई टेम्परेचर हो तो एलिमिनेशन होगी और लो टेम्परेचर हो तो, ठीक है। ध्रुवीय विलायक हो तो ध्रुवीय तो है SN होगी। नियम इसी एग्जाम्पल के बेस पे बना रहा हूं मैं, नियम इसी में है, ध्यान रखना, इसी में नियम है, ध्यान दे ले कैसे। एक्वस है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक होता SN होगी, और अध्रुवीय विलायक हो या कम ध्रुवीय विलायक हो तो एलिमिनेशन हो जाएगी, सही है कि नहीं? प्रबल क्षार किस में पड़ेगा? ऊपर नीचे, प्रबल क्षार हो तो एलिमिनेशन, दुर्बल क्षार हो तो SN, सही है कि नहीं? टेंडेंसी होती है क्या देने की? एलिमिनेशन। इसलिए तो आपने पढ़ा था कि 3 डिग्री अल्कोहल सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4 के साथ एलिमिनेशन बढ़ा देता है बजाय RX के, RX के बजाय एलिमिनेशन बढ़ा देता है, सही है नहीं? ये अपन पहुंच गए ईथर वाले चैप्टर में भाई, ईथर बनाने की विधि है, एल्कोल वाले चैप्टर में एल्कोल की रासायनिक अभिक्रिया है, और एक बार राजस्थान बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है यही, क्या होगा यदि एथिल एल्कोल को 413 पे 443 पे गर्म किया जाए खनिज ब्लॉक की स्थिति में। चार सौ 443 पड़ा हुआ है बोर्ड पे, टिप टिप के वगैरह उतार रहे हो बीबी, 13 पे ईथर बना दो और 43 पर एल्किन बना दो, सांद्र H2SO4 है 13 43, 13 पे क्या बनाया और 43 पर एल्किन बनाई, ये भी विलायक,
आरसीएल बनाने की उत्तम विधि एसोसिएट टू प्रीडी है ना, आर आई बनाने की उत्तम पिंकल स्टाइन अरे एनआई डालते हैं, आरएफ बनाने की स्वार, आरबीआर बनाने की इंसुलिका कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में Br2CCl4, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में Br2CCl4 चार रेट से मूवी ध्यान रखना इन रिएक्शन निर्जल जड़न Cl2 प्लस सांद्र HCl क्या होता है Na होता है ना, अभिक्रिया का नाम है ग्रो प्रक्रम। अरे यार वही बात, तुम टीपते हुए के लाए, जब तुमको पता है एक्वस डालोगे तो क्या बनेगा, एल्कोलिक डालोगे तो क्या बनेगा, तो खुद लिखा करो ना तुरंत ही। अगला टेम्परेचर वो है कौन सा, क्षार की प्रगति, उधर होगा तो क्षार की प्रगति, ये उतरेगा क्षार की प्रगति, लिख दो क्या देख रहे हो बोर्ड पे। अच्छा करो क्षार की प्रकृति में एक ही लाइन लिख देना बस, एक लाइन लिख दिया क्षार की प्रकृति, एक लाइन लिख दो, एक लाइन लिख दो, प्रबल क्षार हो तो एलिमिनेशन, दुर्बल क्षार हो तो SN, क्योंकि डबल बार उतारोगे दिक्कत होगी, प्रबल क्षार हो तो एलिमिनेशन, दुर्बल क्षार हो तो SN, लिख दिया, क्योंकि इसको प्रश्न के रूप में करवा देना, प्रश्न के रूप में करा देते हैं, लिख दो प्रश्न लिख दो। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस क्यूएच के साथ करवाने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोली क्यूएच के साथ करवाने पर एल्कीन बढ़ती है, क्यों, ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताऊं जबकि क्या, जबकि लेता के बीच बीच में एक्वस क्यूएच के साथ क्या बना और एल्कोलिक क्यूएच के साथ क्या बना, ये लिख दे है? नहीं अब एक दो लाइन लिखा दो, पहले आंसर लिखो, लिखो एक्वस क्यूएच काम में लेने पर, एक्वस क्यूएच काम में लेने पर दुर्बल क्षार OH- बनता है, दुर्बल क्षार OH- बनता है, जो कि SN संपन्न करवाता है, जो कि SN संपन्न करवाता है, दूसरी लाइन खुद ही लिख दो, एल्कोलिक क्यूएच काम में रहने पर कौन सा क्षार बनता है, क्या संपन्न करवाता है, फिर उतार दो पूरा, एल्कोलिक क्यूएच काम में लेने पर प्रबल क्षार आरओ माइनस बनता है, एल्कोलिक क्यूएच काम में लेने पर प्रबल क्षार आरओ माइनस बनता है, जो कि एलिमिनेशन संपन्न करवाता है, उतार दो, फिर बोर्ड पर रिएक्शन टीपने लगते हैं, सारा उतारना है ABCD A से लेकर Z तक, अपना आप करो रिएक्शन, अपना आप करो बोर्ड पर टिप करो, एथिल क्लोराइड ले लो, एक्वस क्यूएच ले लो, एल्कोलिक क्यूएच ले लो, प्रोडक्ट बना दो, क्या पड़ेगा जो और नीचे ये लिख दो, ये लोगे तो क्या बनेगा,
गया भाई। प्रश्न लिख दे। बोलो, एथिल क्लोराइड से निम्न को कैसे बनाओगे? एथिल क्लोराइड से निम्न को कैसे बनाओगे? फर्स्ट एथिल आयोडाइड बताओ देगा। अरे फिंगर स्टाइट हो जाएगी ना, एनआई डाल दो। सेकंड एथिल फ्लोराइड क्या डाल दो? इजीयर है ना भाई, क्या डालना है? इजीयर डालना है। दूसरी कौन सी लिख दी? एथिल फ्लोराइड हो गई दो। एथिल एल्कोहल बोलो। सीएल अटैच हो जाए ना, क्या डालो? एक्वस एथीन एल्कोहलिक पीएच के साथ गर्म कर दो, बढ़ गया एथीन। प्रोपेनोइक अम्ल देखो कोई कम आ गया, इसका मतलब सी डब्ल्यू एच है ना, और सी डब्ल्यू एच आया है इसका मतलब सीएन का पूर्ण जलघटन हुआ होगा। तो सीएल से पहले सीएन लेके आओ, किसके साथ रिएक्शन? सीएल की जगह सीएन कैसे आएगा? रखिए सीएन के साथ रिएक्शन करवा दो भाई, सही है कि नहीं? सिंपल रिएक्शन है, आरसीएन की रिएक्शन केसीएन के साथ करवाओ, आरसीएन बन जाएगा, पूर्ण जलपटन करवाओ, आरसीडब्ल्यूएच बन जाएगा, ये रिएक्शन लो आपकी, ठीक है? फोर्थ जो भी है वो लिखो। यहां तक पहुंच गए साइनाइड तक, सीएन बन गया। कौन सा सीएन बना? CH3 CH2 CN, एक दो तीन कार्बन है। अब मैं इसमें सोडियम और एथिल एल्कोहल डाल दूं, CH3 CH2 CH2 NH2। बोलो सही है? अरे CN का चेन हो जाएगा आदमी, क्या डाला मैंने? सोडियम और एथिल एल्कोहल, सोडियम एथिल एल्कोहल CN का क्या करेगा बताओ? इस CN का अपचयन करवाओगे तो ये CH2 NH2 में बदलेगा या नहीं? कार्बन बढ़ गया ना एक, ठीक है? एक दो तीन कार्बन वाली एमीन, प्रोपेनेमीन लिखो। प्रोपेनेमीन कैसे बनाओगे? अगला क्या है? प्रोपेनेमीन, फिर दोबारा देख लें भाई, CH3 CH2 CL था, मैंने KCN के साथ रिएक्शन करवाई, CH3 CH2 CN बन गया। मैं इसमें सोडियम और एल्कोहल डाल दूं, कौन सी रिएक्शन है? कौन सी है? अरे सोडियम एल्कोहल एनियस, पीछे वाला बोल रहे CH3 CH2 CH2 NH2, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N है, दो H यहां जोड़ो और दो H यहां जोड़ो, CH2 NH2 बन गया। एक दो तीन कार्बन है प्रोपेनेमीन। अगर मैं इसमें नाइट्रस डाल दूं तो बताओ NH2OH बदल जाएगा? क्या बड़ा? CH3 CH2 CH2 OH, एक दो तीन प्रोपेनोल बगला लिखो, वन प्रोपेनोल तो
उससे अगला लिख दो, वन क्लोरोप्रोपेन। अब OH की जगह CL ले आया तो क्या डाल दिया मैंने इसमें, SOCl2 ब्रिडिंग डाल दिया भाई, डाल दो भाई, सही है कि? अब बताओ क्या बन गया, CH3, CH2, CH2, CL, कितने कार्बन वाली बन गई रहे, तीन कार्बन वाली, फिर KCN के साथ रिएक्शन करवा दो, फिर बढ़ा दो, या फिर इसी मेलकोलिक के बच डाल दो, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, एलिमिनेशन हो गई। अगर लिख दो प्रोपीन, क्या बनानी है, प्रोपीन बनानी है, वैसे आगे चलते जाओ, हटाते जाओ, चलते जाओ, जोड़ते जाओ भाई, रिएक्शनों की जानकारी होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा पहले भाई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, आप कैसे बढ़ते रहोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डालू अब क्या बन जाएगा। उसने कहा इससे ये बनानी है प्रोपिल क्लोराइड से प्रोपीन बनानी है, तो इसका मतलब विलोपन है, एल्कोहलिक क्यों चाहेगा भाई, अरे बस भाई ऐसे एक और लिख लो, प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड आंशिक जलपटन करवा देना सीएन का भाई, सीएन का आंशिक जलपटन, सीएन का आंशिक जलपटन करवा देना, प्रोपेनेमाइड बन जाएगा। अगला प्रश्न लिखे, निम्न के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम लिखें, निम्न के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम लिखें, निम्न के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम लिखें, बोर्ड पे एक बार ध्यान देने भाई, बोर्ड पे ध्यान दें और आप मेरे को ये बताएं कि सी और सी एल में से किसकी ई एन ज्यादा है, सी एल की, तो सी एल क्या करेगा बंद के इलेक्ट्रॉनों को, ये सी एल खींचेगा, ये खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों का, इसका डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, जीरो, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी जीरो हो गया, म्यू बराबर जीरो, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, सही है, और सी और एच में से किसकी एन ज्यादा है, सी अपनी तरफ खींचेगा ना, बताओ कैंसिल होंगे या जुड़ेंगे, जुड़ेंगे भाई, ठीक है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा हुआ CH2Cl2 का, और फिर हुआ CHCl3 का, और सबसे कम CCl2 का, ठीक है। देखो भाई आप ये बताएं कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.6 कितनी होती है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है, सुनना भाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं आपको, मैं दो तीन चीजें में शामिल करूंगा यहां, कार्बन की विद्युत ऋणता 2.6 सही है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, सही है,
कार्बन की ये विद्युत अर्थता चेंज हो सकती है भाई, कार्बन की ये विद्युतता चेंज हो सकती है। कैसे होगी उस बात को समझना, चेंज कैसे हुई हुई है ना। एक मेरे पास एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन का, प्रश्न करवा रहा हूं एक एनसीईआरटी का, ध्यान दें। एक मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और एक ये एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड या वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दोनों की बात बता रहा हूं ध्यान से सुना। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण बोलो, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड होता है तो sp2 होगा। इस कार्बन का संकरण बोलो, कार्बन का संकरण बोलो sp3, ठीक है। एक अनुपात दो और यहां एक अनुपात तीन, एक अनुपात तीन का मतलब 25-75 और एक अनुपात दो का मतलब 33-66, बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। एस 33% है, पी 66% है, एस 25% है और पी 75% है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रतिशत एस लक्षण, परसेंटेज एस करेक्टर, यहां 33% है और यहां परसेंटेज एस लक्षण 25% है भाई, बात समझ आ गई। एक फैक्टर इसके साथ साथ मान लो मैं ये जोड़ना चाहूं, HC(CH) और CH2(CH2), बोलो भाई sp2, यहां बोलो sp, इधर ध्यान दे रहे sp होता है प्रतिशत एस करेक्टर, बताओ 50%, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो, सही है। परसेंटेज एस करेक्टर कार्बन की एन को चेंज कर देगा भाई, कार्बन की एन कितनी होती है 2.6 और ये 2.6 वेरिएबल है, ध्यान रखना। कैसे वेरिएबल है, क्योंकि एक रिलेशन है EN समानुपाती प्रतिशत S लक्षण, ध्यान रखना परसेंटेज S करेक्टर अगर बढ़ेंगे तो कार्बन की EN भी बढ़ जाएगी भाई, परसेंटेज S करेक्टर बढ़ेंगे तो EN भी बढ़ जाएगी, या परसेंटेज S करेक्टर बहुत ज्यादा है तो इस कार्बन की EN बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप ऑर्डर बताएं सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद कहीं कार्बन आया क्या, नहीं आया ना, लेकिन कार्बन आ जाएगा और नाइट्रोजन के लगभग बराबर हो जाएगी उसकी, ये ध्यान रखना। कब, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा ना भाई तो सौ परसेंटेज एस करेक्टर कितने हो जाएंगे, 50%, परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा हो गए तो कार्बन की है बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसके बराबर, लगभग लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर ये कार्बन नहीं है, मानो क्या ये नाइट्रोजन है, अब बताओ ये नाइट्रोजन इस CH बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, आदमी अपनी तरफ खींच लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा तो भाई ये एल्काइन HC(CC) और H+ दे देगी, इसका मतलब कौन सी प्रकृति दर्शाती है बताओ, अम्लीय प्रकृति, ध्यान रखना एल्काइन अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। और भी बहुत सारे प्रश्न है, बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है ना भाई। वन एल्काइन क्या दर्शाती है बताओ, अम्लीय प्रकृति, यानी ये जो CH बंद है ना H+ के रूप में चल जाएगा और यहां का ये CH बंद H+ के रूप में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, एल्कीन एल्कीन H+ नहीं देते, एल्कीन
है की एच प्लस नहीं देते, ध्यान रखना अम्लीय नहीं है। सोडियम डालोगे हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, जबकि कौन दे देता है? एल्काइन। वन एल्काइन आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा क्योंकि कार्बन की ईएन बहुत ज्यादा है। इसी को मैं पीछे ले चलूं यहां, ठीक है। ईएन समानुपाती परसेंटेज एस लक्षण सही है। अब बताओ सुन एक मिनट ध्यान से, इस कार्बन की ईएन कम है कि ज्यादा? यानी डिफरेंस की अगर बात करें तो आप डिफरेंस ऐसे समझें, यहां डिफरेंस 2.6 और 3.0 है, सही है। और यहां जो डिफरेंस है, अब बताओ इस कार्बन की ईएन कम हो जाएगी ज्यादा? अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा हो जाएगी ना। यहां डिफरेंस हो जाएगा 2.7 और 3.0, 2.75 इतना के आसपास चला जाता है ये, और 3.0 सही है। किसकी ईएन ज्यादा है? सीएल की ज्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा तो सीएल पर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा ना। आपने पढ़ा म्यू बराबर क्यू एन टू डी, द्विध्रुवागुण क्या होता है? म्यू बराबर क्यू एन टू डी, ध्यान रखना अगर क्यू ज्यादा होगा तो म्यू बोलो ज्यादा होगा ना, कंसेप्ट को कोई दिक्कत नहीं। क्यू अगर ज्यादा होगा तो म्यू भी ज्यादा होगा, सही है। दोनों एग्जांपलों में ध्यान से देखें, यहां 2.6 3.0 है, इसकी 2.8 ही मान ले, 2.83 और यहां 2.63। सीएल इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा किसमें? क्लोरोबेंजीन में या साइक्लोहेक्सिल फ्लोराइड में, यहां ज्यादा खींच पाएगा क्योंकि यहां कार्बन की है कम है, सीएल की है। आप यहां समझे, यहां तो दोनों की लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, कम खींचेगा ज्यादा, दो जोड़ों में बराबर का जोर है ना, बोलो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों कौन खींचेगा? दोनों लगभग बराबर खींचेंगे,